भाई और बहनों, कल आपने बजट में और उसके बाद टीवी पर चर्चाओं में और आज अखबारों में एक बात पढ़ी सुनी देखी होगी। एक शब्द गूंज रहा है चारों तरफ, हर कोई बोलना शुरू किया है, देखते ही देखते कानों कानों बात पहुंचने लगी है। और वो क्या है? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। आखिर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य का मतलब क्या है? एक आम भारतीय जिंदगी का, हर एक भारतवासी का इससे क्या लेना देना है? ये आपके लिए, सबके लिए जानना भी और जानकर के घर घर जाकर के बताना भी बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोग हैं जो हम भारतीयों के सामर्थ्य पर शक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत के लिए ये लक्ष्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। आपने सुना होगा, कल से चर्चा चल रही है। साथियों, जब ऐसी बातें सुनता हूं तो काशी के इस बेटे के मन में कुछ अलग ही भाव जगते हैं। आशा निराशा में उलझे लोगों तक मैं अपने मन के भाव पहुंचाना चाहता हूं। वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है। विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है, यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है। विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है, यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है। गरीब अमीर बने नए हिंद की भुजाएं। गरीब अमीर बने नए हिंद की भुजाएं, बदलते भारत की यही तो पुकार है। देश पहले भी चला और आगे भी बढ़ा। अब न्यू इंडिया दौड़ने को बेताब है। दौड़ना ही तो न्यू इंडिया का सरोकार है।
तो साथियों, बात होगी हौसले की, नई संभावनाओं की, विकास के यज्ञ की, मां भारती की सेवा की और न्यू इंडिया के सपने की। ये सपने बहुत हद तक जुड़े हुए हैं 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य से। साथियों, 5 ट्रिलियन का मतलब होता है 5 लाख करोड़ डॉलर, और अगर रुपये के संबंध में बात करें तो समझिए कि उसका भी 65-70 गुना। दूसरे शब्दों में कहें तो आज हमारी अर्थव्यवस्था का जो आकार है उसका लगभग 2 गुना। आप सोच रहे होंगे कि कार्यकर्ता सम्मेलन में कहां मैं अर्थशास्त्र की इतनी गूढ़ बातें क्यों करने लग गया। देखिए दोस्तों, मैं खुद भी कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, मुझे अर्थशास्त्र का अ भी नहीं आता है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज जिस लक्ष्य की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो आपको नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर करेगा। नया लक्ष्य, नया उत्साह भरेगा, नए संकल्प, नए सपने लेकर हम आगे बढ़ेंगे और यही मुसीबतों से मुक्ति का मार्ग है। साथियों, अंग्रेजी में कहावत होती है कि साइज ऑफ द केक मैटर्स, यानी जितना बड़ा केक होगा उसका उतना ही बड़ा हिस्सा लोगों के नसीब होगा, लोगों को मिलेगा। और इसलिए हमने भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था ये बनाने का लक्ष्य तय किया है, उस पर जोर दिया है। अर्थव्यवस्था की साइज और आकार जितना बड़ा होगा स्वाभाविक रूप से देश की समृद्धि उतनी ही ज्यादा होगी। हमारी यहां गुजराती में कहावत है, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या होगा, वो कहावत ऐसी है, अगर कुएं में है तो हवाड़े में आएगा। मतलब अगर कुआं भरा पड़ा है तो फिर छोटे 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 अगर तालाब है वो तो उसमें पानी पहुंचेगा, खेत तक पहुंचेगा, अगर कुएं में नहीं होगा तो कहां पहुंचेगा। यही समृद्धि हर परिवार की, हर व्यक्ति की आय, आमदनी और जीवन स्तर में भी परिवर्तन लाती है। अब सीधी सी बात है कि परिवारों की आमदनी जितनी ज्यादा होगी, परिवार के सदस्यों की आमदनी उसी अनुपात में ज्यादा होगी और उनकी सुख सुविधाओं का स्तर भी उसी अनुपात में ऊंचा होगा। साथियों, आज जितने भी विकसित देश हैं उनमें ज्यादातर के इतिहास को देखें तो एक समय में वहां भी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन इन देशों के इतिहास में एक दौर ऐसा आया जब कुछ ही समय में प्रति व्यक्ति आय ने जबरदस्त छलांग लगाई। यही वो समय था जब वो देश विकासशील से विकसित, यानी डेवलपिंग से डेवलप नेशन की श्रेणी में आ गए। भारत भी लंबा इंतजार नहीं कर सकता है दोस्तों। भाइयों बहनों, भारत भी ऐसा कर सकता है।
और 21वीं सदी में आज जब भारत दुनिया का सबसे युवा देश है तो ये लक्ष्य भी मुश्किल नहीं है। साथियों, जब किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो वो खरीद की क्षमता बढ़ाती है, खरीद की क्षमता बढ़ाती है तो डिमांड बढ़ाती है, मांग बढ़ाती है, डिमांड बढ़ती है तो सामान का उत्पादन बढ़ता है, सेवा का विस्तार होता है और इसी क्रम में रोजगार के नए अवसर बनते हैं। यही प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि उस परिवार की बचत या सेविंग को भी बढ़ाती है। साथियों, जब तक हम कम आय कम खर्च के चक्र में फंसे रहते हैं तब तक ये स्थिति पानी बहुत मुश्किल होती है और पता नहीं किसी न किसी कारण से हमारे दिल दिमाग में गरीबी एक वर्च्यू बन गया है। कभी हम सत्यनारायण कथा सुनते थे बचपन में तो वहां शुरू क्या होता था, एक बेचारा गरीब ब्राह्मण, वहीं से शुरू होता था। यानी गरीबी में गर्व करना एक पता नहीं एक हमारी मनोवैज्ञानिक अवस्था बन गई है। देश को उससे बाहर लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, सपने बड़े देखने चाहिए कि नहीं देखने चाहिए, सपनों को पूरा करने के लिए संकल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, संकल्प को सिद्ध करने के लिए जी जान से जुटना चाहिए कि नहीं जुटना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए कि नहीं पसीना बहाना चाहिए, सिद्धि मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। और इसलिए कल जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें आपने गौर किया होगा कि सरकार ने यह नहीं कहा कि इस मद में इतना पैसा डाला, इस मद में इतना डाल दिया, इतना खर्च यहां करेंगे, इतना खर्च वहां करेंगे। वो लिखित तो था लेकिन बोलने के समय अलग से बात की। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को देश प्राप्त कैसे प्राप्त कर सकता है, इसकी एक दिशा बजट में हमने दिखाई है और उससे जुड़े फैसलों का ऐलान किया गया। और देश को यह भी विश्वास किया गया है कि 5 साल एक सरकार एक कंटिन्यूटी में है, यह भी विश्वास दिया है कि आने वाले 10 साल के विजन के साथ हम मैदान में उतरे हैं। साथियों, उसका एक पड़ाव है ये 5 वर्ष। आने वाले 5 वर्ष में $5 ट्रिलियन की विकास यात्रा में अहम हिस्सेदारी होगी हमारे किसान भाइयों बहनों की, खेती की, गांव की। आज देश खाने पीने के मामले में आत्मनिर्भर है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ देश के किसानों का पसीना है, सतत परिश्रम है। अब हम किसान को पोषक से आगे निर्यातक यानी एक्सपोर्टर के रूप में देख रहे हैं। अन्न हो, दूध हो, फल सब्जी शहद या ऑर्गेनिक उत्पाद, ये हमारे पास निर्यात की भरपूर क्षमता है और इसलिए बजट में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए माहौल बनाने पर बल दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग से लेकर मार्केटिंग तक का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर निवेश बढ़ाया गया है। इसी सोच के साथ यहां आप सबको मालूम है राजा तालाब और गाजीपुर घाट में जो पेरिशेबल कार्गो का निर्माण किया गया है उसके नतीजे दिखाई देने लगे हैं। आप लोग ये जानकर खुशी होगी कि अब तक यहां से फल सब्जियों के
11 शिपमेंट विदेश भेजे गए हैं, यानी एक शुरुआत हुई है और उसका सीधा लाभ यहां के किसानों को हुआ है। यहां जो प्याज और केला होता है उसे ले जाने के लिए स्पेशल रेल कंटेनरों की व्यवस्था भी की गई है। अब हमारा प्रयास है कि यहां एक क्लस्टर विकसित किया जाए जिसमें सरकार के अलग अलग विभाग मिलकर एक्सपोर्ट को आसान बनाने के लिए सारी सुविधाओं का निर्माण करें। यहां जो बनास डेयरी की शुरुआत हमारे यहां की गई है वो भी आज 6000 किसानों से 11000 लीटर से ज्यादा लीटर दूध इकट्ठा कर रही है। ये तो शुरुआत है, पहले बहुत से किसानों को कम कीमत पर दूध बेचना पड़ता था लेकिन अब उन्हें भी इस डेयरी का लाभ मिल रहा है, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। भाई और बहनों, किसान जो कुछ भी उगाता है उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको दुनिया के बाजारों में निर्यात करने के लिए निर्यात नीति भी हम बना चुके हैं। किसानों को अतिरिक्त आय हो इसके लिए भी तमाम फैसले लिए गए हैं। अन्नदाता को ऊर्जादाता के रूप में तैयार करना इसी रणनीति का हिस्सा है। खेत में ही सौर ऊर्जा प्लांट, सोलर एनर्जी प्लांट लगाने से किसान को अपने उपयोग के लिए बिजली तो मुफ्त मिलेगी ही, अतिरिक्त बिजली वो बेच भी सकेगा। इससे सिंचाई की लागत कम होगी और बिजली बेचने से किसान को अतिरिक्त आय भी होगी। भाई और बहनों, खेती के साथ साथ ब्लू इकोनॉमी पर भी हमारा विशेष बल है। समुद्री संसाधनों, तटीय क्षेत्रों में पानी के भीतर जितनी भी संसाधन है उनके विकास के लिए बजट में विस्तार से बात की गई है। इन संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है मछली के व्यापार का। बीते 5 वर्षों में इस दिशा में हमने बहुत प्रगति की है लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में पूरी क्षमता से काम करने की अनेक संभावनाएं बनी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मछली से जुड़े कारोबार, मछुआरों को आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए हमने एक नया विभाग बनाया है। उसी प्रकार से एक योजना इस बार बजट में आपने देखी होगी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत गहरे समंदर में मछली पकड़ना, स्टोरेज, उनकी वैल्यूएशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे मछली के एक्सपोर्ट में हमारी भागीदारी कई गुना बढ़ेगी जिससे देश को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी और मछुआरों को अधिक दाम भी मिल पाएंगे। साथियों, विकास की एक और जरूरी शर्त है पानी, और इसलिए जल संरक्षण और जल संचयन के लिए पूरे देश को एकजुट होकर के खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हमारे सामने पानी की उपलब्धता से भी अधिक पानी की फिजूल खर्ची और बर्बादी बहुत बड़ी समस्या है, लिहाजा घर में उपयोग हो या फिर सिंचाई में पानी की बर्बादी को रोकना आवश्यक है। इसके लिए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना, रिहायशी कॉलोनी से निकले पानी को ट्रीट करके सिंचाई के लिए उपयोग करना या फिर घर में ही पानी की रिसाइकलिंग जैसे अनेक उपाय पर आगे हम सबको मिलकर के काम करना है। घर हो, किसान हो, उद्योग हो, हर कोई जब पानी का सदुपयोग करता है तो उससे पानी के साथ साथ बिजली की भी बचत होती है। साथियों, पानी के संरक्षण
और संचयन के साथ साथ घर घर पानी पहुंचाना भी जरूरी है। देश के हर घर को जल, कभी शौचालय के लिए सोचा, कभी आवास के लिए लगे, कभी स्वच्छता के लिए लगे, अब सपना लेकर के निकले हैं हर घर को जल। देश के हर घर को जल मिल सके इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय हमने निर्मित किया है, अलग मंत्री बनाए हैं और पूरा डेडिकेटेड पूरी सरकार संकलित रूप से पानी पे काम करना शुरू किया है। जल शक्ति अभियान भी शुरू किया गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ, सबसे पहले सबसे बड़ा लाभ होगा हमारी माताओं बहनों को मिलेगा जो पानी जुटाने के लिए अनेक कष्ट उठाती है। अब बजट में राष्ट्रीय स्तर पर जल ग्रिड बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की व्यवस्था से देश के हर उस क्षेत्र को पर्याप्त जल मिल पाएगा जिसको पानी के अभाव का सामना करना पड़ता है। भाई और बहनों, पांच ट्रिलियन डॉलर के इस सफर को आसान बनाने के लिए हम स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सुंदर भारत बनाने पर भी फोकस कर रहे हैं। बीते वर्षों में स्वच्छता के लिए देश के हर नागरिक ने जो योगदान दिया है उसे स्वस्थ भारत बनाने की हमारी कोशिश को बल मिला है। हर घर को शौचालय से जोड़ने, हर जगह स्वच्छता रखने भर से ही बीमारियों में कमी देखने को मिल रही है। रिसर्च बताती है कि स्वच्छता के कारण हर परिवार के स्वास्थ्य से जुड़े खर्च में भी कमी आई है। ये बचत उस परिवार की अन्य जरूरतों को पूरा करने में काम आ रही है। साथियों, स्वच्छ भारत बनाने के लिए आयुष्मान भारत योजना भी बहुत मददगार सिद्ध हो रही है। देश के करीब 50 करोड़ गरीबों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो रहा है। अब तक लगभग समय बहुत कम हुआ है, लेकिन इतने कम समय में लगभग 32 लाख गरीब मरीजों को अस्पतालों में इसका लाभ मिल चुका है। मुफ्त इलाज के साथ साथ देश के गांव गांव में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। इससे गांव के पास ही उत्तम स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी, जिससे सामान्य परिवार की बचत और बढ़ेगी। यही नहीं, क्या हो गया भाई, बड़े उत्साही वॉलंटियर दिखते हैं। बैठे बैठे, हाँ साथियों, यही नहीं, योग और आयुष के उपयोग को बढ़ावा देने से भी स्वास्थ्य के खर्च में कमी आ रही है। योग और आयुष का जिस स्तर पर हम प्रचार कर रहे हैं उससे हेल्थ टूरिज्म की दृष्टि से भी भारत अहम सेंटर बन रहा है। भाई और बहनों, स्वच्छता का संबंध स्वास्थ्य से तो है ही, सुंदरता से भी है। जब देश सुंदर होता है तो टूरिज्म भी बढ़ता है। यहां काशी में भी स्वच्छता और सुंदरता का लाभ हम सभी को देखने को मिल रहा है।
मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ऐसा नहीं मैं हूं इसलिए बताया, ऐसा नहीं, ऐसे बताइए कि देशवासी सुन रहे हैं आपको, मिल रहा है? देखिए, गंगा घाट से लेकर सड़कों और गलियों तक में साफ सफाई के कारण यहां आने वाले पर्यटक बेहतर अनुभव कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही काशी की हरियाली को बढ़ाने के लिए बच्चों के साथ मुझे भी वृक्षारोपण का अवसर मिला है। यहां हरियाली बढ़ने से काशी की सुंदरता तो बढ़ेगी ही, पर्यावरण भी शुद्ध होगा, इससे यहां के पर्यटन को और गति मिलेगी। जब पर्यटन बढ़ता है तो भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, रोजगार का निर्माण होता है। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां कम से कम पूंजी निवेश से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं होती है। आजकल होम स्टे का जो एक नया कल्चर बढ़ रहा है, और मैं तो मानता हूं कि प्रवासी भारतीय दिवस के समय काशी वासियों ने, लोगों ने अपने घरों में रखने के लिए, मेहमानों के लिए जो माहौल बनाया था, अब उसको कॉमर्शियल रूप दिया जा सकता है। एक प्रकार से लोग आए, रहें, कमाई भी हो, आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है, काशीवासी बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। और बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो काशी में महीना महीना भर रहने के लिए आना चाहते हैं, तो काशी में तो एक बहुत बढ़ावा मिल सकता है। आजकल होम स्टे का जो नया कल्चर बढ़ रहा है उससे भी रोजगार और कमाई के नए साधन बन रहे हैं। यानी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए टूरिज्म का बड़ा रोल रहने वाला है। लेकिन भाई और बहनों, अर्थव्यवस्था में गति तब तक संभव नहीं है जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर ना हो। यही कारण है कि 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार हम पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। गांव में उपज के भंडारण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर शहरों में आधुनिक सुविधाओं का निर्माण, हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, आईवेज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव में ब्रॉडबैंड की सुविधा, यानी वाले 5 वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में। आने वाले कुछ वर्षों में सिर्फ गांवों में ही लगभग 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। साथियों, साल 2022 तक हर गरीब बेघर के सिर पर पक्की छत हो, इसके लिए सिर्फ गांव में ही लगभग 2 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। गरीबों के साथ साथ मध्यम वर्ग के घर के सपने को पूरा करने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। सस्ते घरों के लिए मिडिल क्लास जो होम लोन लेता है उसके ब्याज पर इनकम टैक्स की छूट में 1.5 लाख रुपए की वृद्धि की गई है। यानी अब होम लोन के ब्याज पर 3.5 लाख रुपए तक की छूट मिल पाएगी। इससे 15 वर्ष की लोन अवधि तक 7 लाख रुपए तक का लाभ एक परिवार उठा सकता है। ये बहुत बड़ा काम है जी। इतना ही नहीं, किराए पर घर खोजने में जो असुविधा होती है उसके समाधान के लिए भी कदम उठाए गए हैं। रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार एक मॉडल टेनेंसी कानून राज्य सरकारों को बनाकर भेजने वाली है। साथियों, गांव से लेकर शहरों तक जब इतने बड़े स्तर पर निर्माण कार्य होगा
तो रोजगार का निर्माण होगा, सामान्य परिवार की जेब में पैसा जाएगा। इससे देश में स्टील, सीमेंट सहित हर सामान की मांग बढ़ेगी। इस सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ियां की मांग बढ़ेगी। देश में इस तरह डिमांड को पूरा करने के लिए हमें देश में ही सामान बनाना पड़ेगा। ऐसे में मेक इन इंडिया को गति देने के लिए बजट में बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए हैं। इस अभियान को हम डिफेंस, रेलवे और मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में भी मजबूत कर रहे हैं। आज बड़ी मात्रा में हम रक्षा से जुड़े उपकरणों का निर्यात करना शुरू कर दिया है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यानी मोबाइल फोन, टीवी जैसे सामान बनाने में भी हम तेजी से प्रगति कर रहे हैं। बजट में स्टार्टअप, और आप जानते ही स्टार्टअप शब्द बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, नई अर्थव्यवस्था की धुरी स्टार्टअप बन रहा है। बजट में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत बल दिया गया है, चाहे टैक्स में छूट हो या फंडिंग से जुड़े मुद्दे हो, हर पहलू के समाधान का प्रयास किया गया है। और हमारे नौजवानों के सपने स्टार्टअप के साथ शुरू होते हैं, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। हमारे छोटे और मझले उद्योगों से लेकर जो हमारे पारंपरिक उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे बुनकर, मिट्टी के कलाकार, हर प्रकार के हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। वहीं सौर ऊर्जा के लिए देश में ही सौर पैनल और बैटरी बने, इसके लिए पूरी दुनिया की कंपनियों को निवेश का आकर्षक प्रस्ताव दिया गया है। बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाने, खरीदने और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वालों को टैक्स में छूट दी गई है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जाल इतना बढ़े, हमारे मछुआरे भी इलेक्ट्रिक सिस्टम का ही उपयोग करें तो उनका काफी खर्चा कम हो जाएगा। साथियों, सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरण हो या फिर बिजली से चलने वाले वाहन, ये जब भारत में ही बनेंगे तो आयात पर आने वाला खर्च कम होगा। साथ ही पेट्रोल डीजल के आयात पर जो खर्च होता है वो भी कम होगा। सिर्फ तेल के आयात पर ही देश को हर वर्ष, यानी पेट्रोल डीजल की बात मैं कर रहा हूं, हर वर्ष 5 से 6 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है। इसके कम होने से कितनी बड़ी राहत देश को मिलेगी, ये हम भलीभांति समझ सकते हैं। साथियों, आयात से जुड़ा खर्च जब कम होगा तो वो देश के लिए एक बचत के रूप में ही काम करेगा, यानी हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। यही कारण है कि अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को जितना संभव हो सके भारत में ही पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे पास कोयला भी है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा मौजूद है। इनसे बिजली उत्पादन की क्षमता को आधुनिक तकनीक के उपयोग से हम बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही कचरे से ऊर्जा पैदा करने के अभियान को मजबूती देने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है, स्वच्छता अभियान का एक कदम आगे। खेती से निकले अवशेषों को बायोफ्यूल में बदलने के लिए व्यापक प्रयास हो रहे हैं। साथियों, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे उसमें सरकार सिर्फ एक निमित्त मात्र है, एक सहयोगी रूप में है, एक कैटलिस्ट एजेंट के रूप में है। कभी कभी तो सरकार आड़े ना आए
तो भी देशवासी बहुत कुछ आगे ले जा सकते हैं, ये सामर्थ्य होता है। असल काम हम सभी एक नागरिक के नाते, देश के हर नागरिक कर सकते हैं और करके दिखाया भी है भूतकाल में। ये जो लक्ष्य आज कुछ लोगों को मुश्किल दिखता है, उसको हम सभी देशवासी मिलकर जन भागीदारी से संभव बनाने वाले हैं। साथियों, जन भागीदारी की व्यवस्था को सशक्त करने के लिए देश में बहुत सारे क्षेत्रों में सामाजिक संस्थाएं काम कर रही है। कृषि हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कौशल विकास हो, ऐसे हर क्षेत्र में मानव सेवा और जन कल्याण की भावना के साथ अनेक संगठन काम करते हैं। हमारा प्रयास है कि इन संस्थाओं को अपने काम के लिए पूंजी जुटाने का एक माध्यम दिया जाए। यही कारण है कि बजट में स्टॉक एक्सचेंज की तर्ज पर ही एक इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म यानी एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की घोषणा की गई है। आज अखबारों में देखा है, बड़ी चर्चा है इसकी, बड़ी सराहना हो रही है। इस माध्यम से ये स्वयंसेवी संस्थान अपनी लिस्टिंग कर पाएंगे और जरूरत के मुताबिक पूंजी जुटा सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारे सामूहिक प्रयास 5 वर्ष में 5 लाख करोड़ डॉलर के आर्थिक पड़ाव तक, 5 ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक पड़ाव तक हमें जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, ये सब क्यों किया जा रहा है। साथियों, ये वो वर्ग है जिन्हें हम प्रोफेशनल पेसिमिस्ट भी कह सकते हैं। ये पेशेवर निराशावादी, और ये पेशेवर निराशावादी सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं, कटे हुए होते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप किसी सामान्य व्यक्ति के पास समस्या लेकर जाएंगे तो वो आपकी समस्या को समझ करके उपाय खोजने में आपका साथी बन जाएगा और कभी कभी समाधान देगा भी। पर इन पेशेवर निराशावादियों के पास अगर आप उनकी झपट में आ गए, उनके पास पहुंच गए, आप जाएंगे समाधान लेने के लिए, वो आपको संकट में डाल देगा। समाधान को संकट में कैसे बदलना, ये पेशेवर निराशावादियों के उसमें बड़ी मास्टरी होती है। साथियों, किसी भी विचार की विवेचना भी जरूरी होती है और आलोचना भी जरूरी होती है। और 5 ट्रिलियन डॉलर के संबंध में देश में उत्साह भरना, ये भी तो जिम्मेवारी है, वरना यही रोते रहेंगे, ये नहीं हो सकता, ये मुश्किल है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा सोचा जाता है क्या? कोई कभी ऐसा नहीं हो सकता है। आप याद करिए, गंभीर से गंभीर बीमारी की स्थिति में भी डॉक्टर को पता है पेशेंट का क्या होगा, लेकिन डॉक्टर हमेशा मरीज को उत्साह बढ़ाता है, आप चिंता मत कीजिए, बस अभी ठीक हो जाएगा, बस 2 दिन का मामला है। क्योंकि अगर पेशेंट उत्साह से भरा हो जाएगा तो बीमारी को भी परास्त कर करके निकल सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग पेशेंट के मिलने जाते हैं और क्या करते हैं,
अच्छा हार्ट अटैक हो गया। अरे वो देखिए ना, वो हमारे मोहन चाचा के बेटे को 40 साल की उम्र, बोलो चला गया। उधर गए थे, उनका एकदम जवान बेटा, अभी तो शादी तय हुई थी, चला गया। अब आप उसकी खबर पूछने गए कि उसकी बर्बादी करने गए? ये पेशेवर निराशावादी मानसिकता है जी। उनको भी लगता नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता नहीं, वो पेशेंट के साथ बात कर रहे हैं। तुम अच्छे हो जाओगे नहीं कह रहे, उसको कह रहे यार वो भी तो गया था। साथियों, सकारात्मक माहौल मरीज में भी नई ऊर्जा भर देता है। साथियों, देश को ऐसे नकारात्मक लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। हां, हमें यह चर्चा व्यापक रूप से करनी चाहिए, यह चर्चा होनी चाहिए कि भाई मोदी जो कह रहे हैं वो दिशा सही है या नहीं है। जो स्टेप्स बता रहे हैं, जो संसाधनों की बात करते हैं, जो प्रक्रिया की बात करते हैं, वो ठीक है कि नहीं है, वो सब चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा करते हुए इसमें नए सुझाव भी देने चाहिए, लेकिन 5 ट्रिलियन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए यार, कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं समझता हूं ऐसा करने के बजाय कैसे किया जा सकता है, कौन से कदम उठाने चाहिए, 5 क्यों 6 पर कैसे चल पड़े, ये मिजाज पैदा करने की जरूरत होती है। और इसे लेकर देश के विद्वज्जनों, आलोचकों, विवेचकों, अर्थशास्त्रियों की राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनका स्वागत है। और मैं तो इन चीजों को इसलिए महत्व देता हूं, मैं एक बहुत पुरानी एक सत्य घटना आपको सुनाता हूं। मैं बहुत सुबह जल्दी उठने वालों में से रहा हूं, हमेशा बहुत अर्ली राइजर रहा हूं। तो एक बार मैं सुबह स्कूटर पर जा रहा था, मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना था, अंधेरा भी था। तो अहमदाबाद में एक गरीब कोई व्यक्ति खड़े थे, उसने हाथ ऊपर किया, मैं खड़ा रह गया, अकेले थे, ट्रैफिक भी नहीं था, अभी तो सुबह सुबह था, बहुत जल्दी था। तो मुझे पूछने लगे कि भाई साहब, मैं साबरमती जा रहा हूं, मैं इस तरफ जा रहा हूं, मैं ठीक जा रहा हूं ना? तो मैंने कहा, अरे भाई ये तो बहुत दूर है, तुम पैदल जा रहे हो तो 2-3 घंटे तो ऐसे ही लग जाएंगे तुम्हारे, तुम थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी देर में बस शुरू हो जाएगी, सिटी बस, उसमें बैठ करके चले जाना। तो उसने कहा, साहब 5 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, लेकिन मुझे ये तो बताओ मेरी दिशा सही है ना? मैंने कहा, भाई लेकिन देर होगी। उसने दोबारा मुझे, एक आदिवासी, अनपढ़ आदिवासी ने मुझे उस दिन पाठ पढ़ा दिया, उसने कहा, साहब ये बताओ मेरी दिशा सही है ना? मैंने कहा, भाई तुम्हारा रास्ता, दिशा तो सही है, यही रास्ते जाओगे तुम साबरमती पहुंचोगे। साथियों, हमारी दिशा सही है, मेरा 130 करोड़ देशवासियों पर विश्वास भी बड़ा गजब है।